उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्हें क्या लगता है कि क्या ठीक है और क्या आगे होना चाहिए? प्रीतिका आप बताइए। मेरे घर में भी है। एक सेकंड प्रीतिका, प्रीतिका से पूछ लेते हैं। प्रीतिका बताइए। मैं उससे पूछा है सर, उसके साथ जो दुख होगा ना, मैं उसको महसूस किया हूं, इसीलिए मैं इनको राजनीति नहीं करने दूंगा दोनों पार्टियों। प्रीतिका, प्रीतिका बोलिए। जी सर, सर मैंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था और मेरे 656 के नंबर आए हैं, 656, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी 5000 या 5500 के आसपास रैंक बन जाएगी और मेरे को, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो उसके आसपास का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट जब हमने देखी कि जब रिजल्ट आया 4 जून को, तो हमने देखा तो मेरी 24,000 प्लस रैंक थी। 24,000 रैंक थी, इतने ही नंबरों पर पिछले कुछ सालों में क्या रैंक बन रही होगी अंदाजा? 5,000 या 6,000 के बीच में रैंक आ जाती। जो 5,000 से 6,000 रैंक बननी चाहिए थी पिछले कुछ सालों को देखते हुए एक अनुमान के तौर पर, वो सीधा 24,000 पहुंच गई है। जी सर, तो ये काफी एस्टोनिशिंग था कि ऑलमोस्ट 4 times मेरी रैंक इन्फ्लेट हो गई थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो उनकी भी रैंक में इन्फ्लेशन आया था, तो यही हमें था कि कुछ तो शायद गड़बड़ हुआ है क्योंकि इतना रैंक इन्फ्लेशन तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा कि 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। पिछले सालों में भी अगर हम देखें तो एक बच्चे की, दो बच्चे की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों की आ जाती थी, तो उस चीज़ का भी हमें थोड़ा लगा कि ये भी मतलब कुछ पहले से कुछ अलग चीज़ हुई है इस साल। तो अब तो सर MBBS कॉलेज चाहते थे कि हम इस साल मिल जाए, बट यही है कि पता नहीं इस बार भी मिलेगा नहीं मिलेगा इन नंबरों पर, तो इस चीज़ का बहुत दुख है। मैं मतलब मेरी तरफ से ये ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जाँच होनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, जो इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हो गई है, जो इस नंबरों पे 5000 के या 6000 के आसपास रैंक आनी चाहिए जो इतनी पहुँच गई है। और मेरे हिसाब से सर रीनीट होना चाहिए, सब बच्चों के लिए होना चाहिए रीनीट। जो ग्रेस मार्क्स हटाए गए हैं वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुझे ग्रेस मार्क्स वाला आपको सिस्टम समझ में आया क्या? कुछ कभी आपने इससे पहले नीट में ग्रेस मार्क्स होते हुए देखे, या इस बार भी जब आया तो कहीं कुछ सफाई दी गई कि कैसे ग्रेस मार्क्स दे दिए गए? जब तक स्टूडेंट्स ने नहीं पकड़ा था तब तक तो आपको पता भी नहीं होगा ये बात कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हाँ जी सर, नहीं पता चला जब हमने देखा न्यूज में उस दिन 718 मार्क्स देखे, 719 मार्क्स देखे, तो हमें ये लगा कि ये मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि या तो 720 आएंगे या 716 या 715। उसके बाद सर NTA के द्वारा ही नोटिस जारी किया गया कि ये जो 718 और 719 नंबर आ रहे हैं ये ग्रेस मार्क्स देने की वजह से आ रहे हैं, जबकि हमें कभी पता नहीं था कि ग्रेस मार्क्स किस वजह से दिए जाते हैं या आज तक कभी पहले दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि जिन बच्चों के सेंटर्स पे टाइम लैप्स हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए कि जितना टाइम लैप्स हुआ है उस हिसाब से हमने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए हैं। बट सर ये बात है कि ग्रेस मार्क्स आपने अवार्ड किए तो ज़रूरी नहीं है बच्चा जितना उसका टाइम लैप्स हुआ उतने में वो उतने नंबर का सॉल्व कर भी पाता था या नहीं पाता था। तो इतने नंबर भी अगर आप किसी को ग्रेस मार्क्स दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर टाइम लैप्स हुआ तो उसे टाइम के साथ ही हमें देना चाहिए कि टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाए बच्चे को सॉल्व करने के लिए। अगर 20 मिनट बच्चे के लैप्स हुए तो सिर्फ 20 मिनट ही आगे दे दिए जाएं, तो ये ऑप्शन बेटर लगता है एज कम्पेयर टू ग्रेस मार्क्स। ठीक है, प्रोफेसर कलीमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलीमुद्दीन साहब, आपने भी प्रीतिका को सुना, जितने नंबरों पर पिछली बार 5000 के आसपास रैंक बनता उतने ही नंबरों पर इस बार 24,000 रैंक बना है, और ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, भरा पड़ा इस तरह के साथ। बिल्कुल सही बात है, ये जो एग्जाम नीट हुआ है पहले दिन से लेकर आज तक इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये किसी बात को मान जैसे इस बच्ची ने कहा कि ग्रेस सिस्टम तो हमें पता ही नहीं था ग्रेस क्या होता है, कभी NTA वालों ने ग्रेस के बारे में जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जब मार्क्स 618 हम लोगों ने रिजल्ट में देखे तब देखने के बाद ये सवाल खड़ा किया गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 718 और 719 मार्क्स आ जाए नीट में। तब हम लोगों ने जब इस पर बात की और NTA पर जब इस बात इससे सवाल किए गए तब उन्होंने ये ग्रेस सिस्टम की बात की, ग्रेस सिस्टम तो कभी था ही नहीं आज से पहले, क्या होता है ग्रेस सिस्टम? तो ये सब धांधलेबाजी बड़े लेवल पे हुई है। ये बिल्कुल सही बात है, इन बच्चों का दर्द है कि 550 नंबर लाकर 55 नंबर लाकर भी अगर बच्चा सेव नहीं है